जिले में 1 मार्च से शुरू हो गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण 1 मार्च यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र वाले ऐसे बीमार लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला अंतर्गत 2 स्थलों शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुट्टी बाजार एवं सदर अस्पताल टीबी केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों को टीका लगाया जाएगा। उक्त दोनों टीकाकरण स्थलों पर 100-100 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तत्पश्चात उन्हें कोरोना टीका से आच्छादित किया जाएगा। क्या लगा बता? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो वैक्सीन लेके कैसा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा लग रहा है, कम सुनती है। चलिए चलिए जी, आपको वैक्सीन लगा? हाँ वैक्सीन लग गया और बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर। जैसे ही पता लगा सीनियर सिटीजन का आज से वैक्सीन चालू है, हम आए रजिस्ट्रेशन करवाए और वैक्सीन लेने में थोड़ा समय लगा, पहला दिन था। बहुत अच्छा, आपको कुछ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। पति पत्नी दोनों लग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार भगानी।